हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो हम उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे जिसकी कि मैं आपको पहले 22 सीरीज दे चुकी हूँ। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो बाज बहादुर चंद जो है इसको चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो चंद्र राजाओं का राज चिन्ह था गाय। तीसरा क्वेश्चन है, चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो शाहनामा और जहांगीरनामा जो है इनसे हमें चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा हुआ था? तो चंद शासन का अंत जो है 1790 में हुआ था और गोरखाओं के द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। अल्मोड़ा शहर में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो कल्याण चंद ने जो है मल्ला महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ और देवलगढ़ी से श्रीनगर में स्थानांतरित कर दी थी? तो अजयपाल जो है इसने अपनी राजधानी पहले चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ और फिर देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो लोदियों के द्वारा जो है परमार शासकों को शाह की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? तो बलभद्र शाह ने जो है अपने नाम के आगे सबसे पहले शाह की उपाधि लगाई थी। किस परमार शासकों ने मुगल दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को संरक्षण दिया था? तो पृथ्वीपति शाह ने जो है सुलेमान सिकों को संरक्षण दिया था। गढ़वाल शासक मानसौर महीपति शाह के समय कौन से हमले हुए थे? तो तिब्बती हमले उस दौरान हुए थे मानसौर महीपति शाह के समय में। किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो अल्मोड़ा का फलसीमा जो है इसमें योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है। नृतकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? तो कसार देवी अल्मोड़ा के जो शैल चित्र है उसमें जो है नृतकों का सुंदर चित्रण किया गया है। मलारी गांव के प्रागैतिहासिक पुरास्थल की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के द्वारा की गई थी 2002 में। किस स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले थे? तो हुडली उत्तरकाशी से जो है नीले रंग के शैल चित्र मिले थे। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया था, ये आपको याद रखना है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो है उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया था। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? तो इसमें मानसखंड और केदारखंड जो है उत्तराखंड को दिया गया है। मानसखंड कुमाऊं के लिए कहा गया है और अगर केदारखंड की बात करें तो ये गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए क्या कहा है कि देवताओं एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो कुणिंद वंश जो है उत्तराखंड पर राज करने वाला प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अमोघभूति जो है ये कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? तो शकों के बाद तराई क्षेत्र पर कुषाणों का अधिकार हो गया था। छठी सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो छठी सदी के बाद कन्नौज के मोखरियों ने जो है उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। मोखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो वर्धन वंश, यहाँ के हर्षवर्धन की जो है यहाँ पर सत्ता स्थापित हो गई थी। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश को जो है प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। 700 से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश के पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी, उसके बाद राजधानी बनाई गई। तो कार्तिकेयपुर के बाद इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? बागेश्वर के बैजनाथ में बना दी थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था? तो बसंत देव जो है ये कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा था। निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? तो निम्बर देव पुत्र ईष्टगण, ईष्टगण जो है इसने जो है उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महेशदिनी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो ईष्टगण ने जो है जागेश्वर में ये सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। पांडुकेश्वर ताम्रपात्र में किस शासक को कलिंगम पंख में मग्ध धरती के अवतार के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो ईष्टगण पुत्र यानी कि ललित सूरदेव को जो है 12 अवतार बताया गया है पांडुकेश्वर ताम्रपात्र में। बैजनाथ मंदिर को किसने बनवाया? तो बैजनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? ललित पुत्र भूदेव ने। तो भूदेव ने जो है बैजनाथ मंदिर को बनवाया था। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब चलाया गया?
तो 1911 से और 1917 के मध्य में जो है वन आंदोलन उस दौरान यहाँ पर चला था उत्तराखंड में। किस आंदोलन में भोलूराम और नागेंद्र शहीद हो गए थे? तो कीर्तिनगर आंदोलन में जो है भोलूराम और नागेंद्र शहीद हो गए थे। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। 1871 में जो है प्रथम अखबार जो है ये कुमाऊं से प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1947 में देहरादून से किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो 1947 में युगवाणी का प्रकाशन जो है देहरादून से हुआ था। वर्ष 1932 में राज्य की किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो कुंती वर्मा को जो है जिंदा या मुर्दा पकड़ने का उस दौरान आदेश जारी किया गया था। वर्ष 1941 में गांधी जी ने अपने ब्रिटिश शिष्य सरला बहन को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने कौन सा आश्रम स्थापित किया था? तो कौसानी पहुंचकर जो है सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। चनौता सोमेश्वर अल्मोड़ा में कब शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी? तो 1937 में जो है शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ दो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो 1973 में जो है दो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, एक तो गढ़वाल में बना था और दूसरा बना था कुमाऊं में। गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय के उस दौरान स्थापना की गई थी। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई? तो वर्ष 1938 में जो है उत्तराखंड पृथककरण की मांग उठाई गई थी। लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? तो HD देवगौड़ा ने जो है सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था? तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना ही देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1982 में किसने किया? तो जयानंद भारती ने जो है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया था। हिमालय और उत्तराखंड को मिलाकर एक वृहद राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन कब किया गया था? तो पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया था? 1950 में। कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया? तो 6 जनवरी 1930 को जो है उत्तराखंड में तिरंगा फहराया गया और कई जगहों पर नमक भी बनाया गया। लक्ष्मीदास जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे? तो लक्ष्मीदास जोशी के अनुसार जो है कार्तिकेयपुर राजा कहाँ के थे? ये अयोध्या के थे। कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता कौन थे? तो कार्तिकेय जो है ये कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे। किस क्षेत्र में यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो जाता है और रात्रि हो गई थी? तो कुमाऊं क्षेत्र में जो है ये प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया था और ये वहाँ पर आज भी माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा और लोकभाषा क्या थी? तो राजभाषा तो इनकी संस्कृत थी और लोकभाषा जो है पाली थी। कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन शासकों का आधिपत्य हो गया था? तो कार्तिकेयपुर के राजाओं के बाद कत्यूरी यानी कि कत्यूरियों का जो है वहां पर क्या हो गया था, शासन हो गया था। कत्यूरी शासकों में असती वंश के शासकों की राजधानी थी। तो असती देव वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? पहले तो जोशीमठ थी और बाद में इन्होंने रणचूड़ाकोट बना दी थी। असत्यदेव वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक कौन था जिसके समय तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था? तो ब्रह्मादेव जो है ये असत्य वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक था और इसके टाइम पर ही तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। अशोकचल कौन और कहां का राजा था जिसने कत्यूरी पर 1191 में आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था? तो पश्चिमी नेपाल का जो है अशोकचल राजा था। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो बाज बहादुर जो है ये चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कुमाऊं में 1912 में हुई थी। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में जो है डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में जो है शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो 1930 में जो है प्रसिद्ध पेशावर कांड हुआ था। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने जो है पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो अनसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने जो है अमृतसर कांग्रेस में भाग लिया था। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सरला बहन यानी कि हाइलामन ने जो है कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में जो है भवानी सिंह शामिल था।
नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसने नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो विश्नी देवी शाह के नेतृत्व में जो है तिरंगा उस टाइम पर फहराया गया था। गांधी जी ने 1929 में कौशानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनाशक्त योग नाम से गीता की भूमिका लिखी? तो 13 दिन वो वहाँ पर रुके थे, तब जाकर उन्होंने जो है अनाशक्त योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। और ये कहाँ पर इन्होंने लिखी थी? कौशानी में। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी के कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया था? तो 13-14 जनवरी 1921 में जो है कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। अप्रैल 1987 को किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो त्रिवेंद्र पवार ने जो है अप्रैल 1987 को संसद में एक पत्र बम फेंका था। जनवरी 1987 में मुलायम सिंह यादव द्वारा गठित किस कैबिनेट समिति ने पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने व गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी बनाने की सिफारिश की? तो कौशिक समिति ने जो है उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की और गैरसैंण को जो है प्रस्तावित राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो खटीमा गोलीकांड सितंबर 1994 को हुआ था। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, जो है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था। गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक कब हुई थी? तो 3 नवंबर 2012 को जो है गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई थी। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया था? तो 14 जनवरी 2013 को जो है गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया था। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 से 11 जून 2014 को गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी। किसने 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जलसंदर एवं कश्मीर का उल्लेख है? तो स्कंद पुराण में इन 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख किया गया है। किस पुराण में केदारखंड और मानसखंड का वर्णन किया गया है? तो स्कंद पुराण में केदारखंड और मानसखंड का वर्णन किया गया है। गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? तो अजयपाल जो है गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा माना जाता है। वैदिकाल में उत्तराखंड को किस नाम से अभिहित किया जाता था? तो वैदिकाल में उत्तराखंड को जो है हेमवंत नाम से अभिहित किया जाता था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा की कत्यूरी घाटी स्थित कार्तिकेयपुर में वसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो वसंत देव ने जो है कत्यूरी राज्य की स्थापना की थी। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ? 1947 और 1948 में जो है कीर्तिनगर आंदोलन और सकलाना आंदोलन हुआ था। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हरिप्रसाद टमटा ने किया था। कनकट्टा बैल आंदोलन किस लिए था? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कनकट्टा बैल आंदोलन चलाया गया था। कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था? कोटा खर्रा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? भूमिहीनों को वितरण करना, भूमि जो है भूमिहीनों को वितरण करना ही कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था। राज्य के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही, तो अग्रणी भूमिका किसकी थी उस दौरान? महिलाओं की थी। शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा था? नशा नहीं रोजगार दो। राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद राज्य में जो है विश्वविद्यालय आंदोलन शुरू हो गया था। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से होतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ? तो 1905 में जो है साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित कौन सगी बहनें जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो कमला और बसंती जो है दोनों सगी बहनें थी जो कि लक्ष्मी आश्रम से संबंधित थी। गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की, तो 16 से 24 अक्टूबर को जो है उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो गांधी जी ने जो है सल्ट की भूमिका देखते हुए उसको कुमाऊं का बारदोली कहा गया था। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो 1903 में जो है हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। 1857 की क्रांति के बाद किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो कालू सिंह मेहरा ने जो है क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गढ़देश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो श्रीदेव सुमन ने जो है 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में गढ़देश सेवा संघ की स्थापना की थी। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा था? 1990 में जो है उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य घोषणा लाल किले से कब की थी? तो
15 अगस्त 1996 को जो है प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी। किस दल द्वारा जुलाई 1992 में गैरसैंण का नाम वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखते हुए राज्य की राजधानी घोषित किया गया था? उक्रांत एक दल था, उसने ही जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर जो है गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा था और राज्य की राजधानी घोषित की थी। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो वन पर्व में जो है लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किया गया है। गणेश नारद मुकुंद व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो गणेश नारद मुकुंद व्यास एवं स्कंद गुफाएं बद्रीनाथ के पास स्थित हैं। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है? तो मलारी गांव चमोली से जो है 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो लोदियों ने जो है परमार शासकों को शाह की उपाधि दी थी। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, किस किले को पोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? तो लाल मंडी किला जो है इसे पोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। और ये किसने बनवाया था लाल मंडी किला? ये बनाया था कल्याण चंद ने, ये भी आपको याद होना चाहिए, कल्याण चंद ने बनाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में ये स्थित है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। तो ये 100 क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।